फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गुड वाइब्स रोज हिप फेशियल सीरम के ऊपर एक रिव्यू वीडियो। और ये एक अपडेटेड रिव्यू वीडियो है क्योंकि मैंने इसके ऊपर दो वीडियोस ऑलरेडी शेयर किए हैं आप लोगों के साथ। आप चाहे तो उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आई बटन पर लिंक कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मैं लिंक छोड़ दूंगी। उस वीडियो में मैंने डिटेल में मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो जर्नी है राधा विद दिस सीरम, मैंने शेयर किया है। एंड इस सीरम को इस्तेमाल करके मेरे फेस पर बहुत ही ज्यादा ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम हो गई थी। तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे उन वीडियोस के नीचे कि मैंने जो मेरा ब्रेकआउट्स था, मेरे जो पिंपल्स थे, उसको मैंने कैसे ठीक किया। तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है डिटेल में, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं उसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक कर दूंगी। सो आई होप आप सबको उस वीडियो से हेल्प हो, क्योंकि मेरी जो जर्नी रही थी वो बहुत ही ज्यादा पैथेटिक जर्नी थी। क्योंकि एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से अगर आपके फेस पर पिंपल्स एंड ब्रेकआउट्स हो जाते हैं तो यू नो कितना ज्यादा दर्द होता है। पिंपल्स वाला जो फेस है ना, वो बहुत जल्दी कट जाता है, लेकिन जो मार्क्स एंड ऑल होते हैं उसे रिमूव करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। तो उसे मुझे रिमूव करने में काफी ज्यादा टाइम लग गए थे। ये गुड वाइब्स का जो रोज हिप सीरम है, आप सबको पता है कि दिस सीरम इज वेरी गुड, यू नो, ये ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन नहीं है देन आपकी स्किन के लिए ये बेस्ट है। बट मैं एक्ने प्रोन पर्सन को ये इस्तेमाल करने की सजेशन नहीं दूंगी, क्योंकि इससे ना मेरी स्किन सेंसिटिव बिल्कुल भी उतना ज्यादा नहीं है, बट स्टिल इसे इस्तेमाल करके मेरे फेस पर ब्रेकआउट हो गए। एंड मैंने जब कमेंट्स पढ़े मेरे उस वीडियोस के नीचे, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया, तो ये सीरम जब आप इस्तेमाल करते हैं पहली बार तो आपके फेस पर ब्रेकआउट होता है। जनरली 90% पीपल आर फेसिंग ब्रेकआउट, लेकिन अगर आप इसे लगातार इस्तेमाल करते जा रहे हैं देन ये आपकी स्किन पर सूट करता है। मे बी कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट इसमें है जिससे आपका स्किन रिएक्ट करता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब मैं पहली बार मैंने इसे इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था तो मेरी स्किन पर बहुत ही ज्यादा ब्रेकआउट्स एंड पिंपल्स हो गए थे। देन आई जस्ट स्टॉप यूजिंग दिस सीरम। मैंने वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, बट उस वीडियो में इतने सारे कमेंट्स आने लगे कि मुझे लगा ओके लेट मी ट्राई दिस वन, थोड़ा सा कुछ दिनों तक कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि उस टाइम में जब मुझे ब्रेकआउट्स एंड ऑल हो गए थे, आई वाज सो मच शॉक्ड एंड स्केयर कि मैं एकदम से मैंने बंद कर दिया इसे इस्तेमाल करना। तो मैंने पिंपल्स एंड ऑल के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया कि मैं कैसे अपने फेस को ठीक करूं। तो अगेन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस। तो मैं अपने रात को नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में मैं इसे इस्तेमाल करती थी, दिन में मैंने इस्तेमाल नहीं किया। तो इसे इस्तेमाल करने के बाद मेरे फेस पर फिर से ब्रेकआउट हुए, स्पेशली ऑन फोरहेड एरिया, जो बर्न्स, छोटे छोटे बर्न्स होते हैं ना, वो सब स्टार्ट हो गए। तो आई वॉज लिटरली स्केयर्ड, बट मुझे लगा नहीं थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने एक हफ्ता इस्तेमाल किया, उसके बाद जो मैं रूटीन फॉलो करती थी अपने पिंपल्स एंड फोरहेड बम्प्स को ठीक करने के लिए, वो भी मेरा चल रहा था। एंड अचानक से आफ्टर 7 to 8 days मैंने देखा कि मेरे फेस ठीक हो रहा था, एंड ये इस सीरम को इस्तेमाल करके कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। तो आई वॉज जस्ट कंटिन्यूअसली यूजिंग दिस सीरम, कोई प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं हो रहा था। एंड यू नो इस सीरम को इस्तेमाल करने से फेस पर कितना अच्छा सा ग्लो आता है, एंड फेस बहुत ही ज्यादा यंगर लुकिंग हो जाती है, बहुत ही ज्यादा प्लम्प फील होता है। दिस इज अ रियली गुड सीरम, बट अगर आपको सूट करे देन ओनली इट्स गुड, अदरवाइज इट विल बी अ नाइटमेयर। मैंने एक जो पूरा बॉटल है वो खत्म हो गया था और मैंने रीपर्चेज किया इसे, लेकिन आने में थोड़ा सा देर हो गया। अब उस टाइम उस जो ड्यूरेशन था 7 to 8 days, उस ड्यूरेशन में मैंने इस सीरम को इस्तेमाल नहीं किया था। फिर जब दूसरा पैकेज आया मेरे पास, उसे मैंने जब इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, फिर से मेरे फेस पर ब्रेकआउट्स होने लगे, पिंपल्स होने लगे। जो पहले वाला जो पिंपल्स था, फोरहेड बम्प्स था, वो फिर से आने लगे। सो मुझे लगा अरे इसमें क्या ऐसा इंग्रेडिएंट है कि अगर आप छोड़ देते हो, आप डिसकंटिन्यू करते हो इसे इस्तेमाल करना, देन अगेन अगर आप इसे इस्तेमाल करते कुछ दिनों बाद फिर से सेम प्रॉब्लम। तो उस टाइम मैंने सीरियसली मुझे और नहीं अपने फेस के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना था, तो आई स्टॉप्ड यूजिंग द सीरम। और मेरी अभी जो सिस्टर है वो इसे इस्तेमाल करती है, उसकी स्किन में कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता, लेकिन मेरे स्किन में ही हमेशा ऐसा होता है। मैं चाहती थी तो मैं कंटिन्यू कर सकती थी इसे, 7 days 8 days कंटिन्यू करती तो शायद ये सूट कर जाता मेरे स्किन के साथ, बट आई रियली डोंट वांटेड टू टेक दैट रिस्क, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से मेरे फेस पर जो पिंपल्स एंड ऑल थे उसे ठीक किए थे, फिर से वो उस प्रोसेस से मैं नहीं गुजरना चाहती थी। दैट्स व्हाई आई जस्ट डिसकंटिन्यूड यूजिंग दिस सीरम। बट मन तो बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है, इसका जो रिजल्ट है, वो काफी अच्छा है। सो अभी क्या है कंक्लूशन, मेरी जो जर्नी है उससे जो मुझे कंक्लूशन मिला है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। आप चाहते हैं तो आप इस सीरम को इस्तेमाल कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर आपकी ड्राई स्किन है जस्ट गो फॉर इट, यूज दिस सीरम, गो फॉर इट, इट्स द बेस्ट सीरम यू कैन फाइंड फॉर ड्राई स्किन पीपल।
अगर आपकी नॉर्मल स्किन है फिर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑयली स्किन पीपल कैन ऑल्सो यूज दिस. ऑयली स्किन में भी सीरम्स मॉइस्चराइजर्स इंपॉर्टेंट है, आप इसे इस्तेमाल करें. बट अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है या एक्ने प्रोन है या फिर मॉनसून सीजन में, जैसे मॉनसून सीजन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो मॉनसून सीजन में इसे इस्तेमाल करना मत स्टार्ट करना, क्योंकि फिर मॉनसून सीजन में ना ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है स्किन, तो उस टाइम अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो रिएक्ट भी कर सकता है. दैट्स व्हाई सेंसिटिव स्किन या एक्ने प्रोन स्किन पीपल जस्ट आप थोड़ा सा पैच टेस्ट करें, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल करना स्टार्ट करें. क्योंकि अगर पैच टेस्ट में स्किन रिएक्ट करती है देन आपको पता है फिर ये आपको सूट नहीं करेगा. और अगर आप मेरी तरह ही एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप 7 days या 8 days के लिए इसे इस्तेमाल करें. जो पिंपल्स एंड ऑल होगा आप मेरी इस वीडियो को देख लीजिए, उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए एंड फिर आपका जो स्किन है वो शायद नॉर्मल हो जाएगा. मैं गारंटी तो नहीं दे सकती, मेरे साथ ऐसा हुआ है तो शायद आपके साथ भी हो सकता है. सो गाइस आई थिंक आप सबके जो क्वेरीज थे वो मैंने सॉल्व किया है. मैं पूरा जो मेरा जर्नी था वो मैंने यहाँ पर शेयर भी किया है. अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट्स को पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ एंड उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी करती हूँ ताकि आप सबको हेल्प हो. सो दैट्स इट, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. मेरा जो पर्सनल जर्नी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज ये जो सीरम है ना ये बहुत अच्छा सीरम है, तो मुझे लगा कि चलो ये इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इससे जो साइड इफेक्ट हो रहा है मुझे वो भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था. सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो. आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल था. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आज के लिए इतना ही. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय.